थोड़ी आगे कर दो, नीचे स्लाइड आगे कर देना। जी जी नहीं जी, आगे कर दो, कर दो कर दो, और आगे बस ठीक है। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है 2000 के लिए, एक बोरा खरीदने की कोशिश की, अरे मोबाइल अंदर प्लीज, तो काला बाजारी में साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आपकी बोरी से चोरी हो रही है, 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, क्या करेंगे? किसका मोबाइल है? इनकी समस्याएं और सरकार सुन रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना कौन है, मोबाइल बंद करो, हटाओ हटाओ, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हो, मुझे ये भी बता दीजिए कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत, पूरी रात खेत में बैठे, वरना बारिश हो गई या कोई बारिश हो टूट जाएगा, भगवान की ये टूट जाएगा, हमारे खेतों में पानी आ, उसके बाद कम से कम रात को दिलवा देते हैं, सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है, पानी आया खेत में, उन्हें कुछ होगी कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ, कभी खाद नहीं मिली। क्या माना जाए, क्या माना जाए, सरकार लानी लान लगा रही है, सरकार के लानी लान लगा रही है, पहले GST की लान लगाई है, फिर आपको लग रहा है कि सरकार अक्षम साबित हुई है, खाद वितरण योगी सरकार, सरकार पूरी तरह से फेल है, किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है, ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ चार परिवारों के साथ ये हुआ, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है, जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों की बात करें तो जिस तरह से किसान परेशान रहा, पर तो अधिकारी अफसर शाही को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या किसानों को लाठी मारी गई यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि हम गए, एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं दी, सरकार ने 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया था, मैं 2 लाख रुपए दिए मैडम, चरम पे जी, आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है, 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे, वो मंत्री अभी भी बना है, उसके अंदर इंक्वायरी क्या होगी,